हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि कस्टम्स रिलेटेड है। अभी हाल में ही मेरे पास दो स्टडी मटेरियल यूएस से आए और मेरा जो एक्सपीरियंस था थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं रहा। मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ भी नहीं आई कि वो या तो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि लोग पढ़ना ही छोड़ दें। देखिए, किसी भी देश का जो ग्रोथ है वो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों के का जो एकेडमिक लेवल है वो कितना हाई है, और नॉलेज एक्सचेंज से बढ़कर कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब इसीलिए मैंने क्या करा कि अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको ह्यूमन राइट के बारे में अवेयर करने के लिए यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल, जो कि लॉस एंजल्स बेस्ड एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो काफ़ी अच्छा एकेडमिक मटेरियल प्रिपेयर करता है और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है, तो वहाँ पे एक एडुकेटर्स किट मिलती है जिसको मैंने ऑर्डर करा था फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो जो ऑर्डर था, जब मेरे पास फेडेक्स से फ़ोन आया कि सर ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं आप प्रोवाइड कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, मैंने करा। फिर बाद में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंने दिए थे उसको रिजेक्ट कर दिया, आई डोंट नो वाई। ठीक है, मैंने अपना आधार दिया और जो इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन है वो मैंने दिया। फिर उन्होंने बोला कि देखिए आप अगर इसको जल्दी नहीं करते हैं तो वो जो एडुकेटर्स किट था उसको आपको क्या है रिलीज़ कराने के लिए 5,000 रुपये देना पड़ेगा। तो मैं तो हैरान हूँ कि स्टडी मटेरियल में ऐसा कौन सा बॉम्ब है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर रहे हो, और एकेडमिक मटेरियल है, एड्रेस है, आपको आसानी से पहुँचा देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा केवाईसी की ज़रूरत है तो आधार इज सफिशेंट, और वो भी देने के बाद अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आपके इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। दूसरा चीज़, एक मैंने अपनी ही बुक को बाहर से मंगाया और उस पर जितने की वो बुक है ऑलमोस्ट उतना ही मुझे क्या है कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा है। मैं हैरान हूँ कि अकेडमिक मटेरियल पे आप क्यों इतना ज़्यादा क्या है कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो। इसको तो फ्री होना चाहिए सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों अपने राइट्स के बारे में, और जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं चाहे वो टेक्निकल हो या अदरवाइज हो। तो इस पे सेस लगता है और दुनिया भर की चीज़ ठीक है, बाकी मटेरियल पे आप सेस लगा सकते हो, पर कोई एकेडमिक मटेरियल ही आ रहा है तो उस पे किस बात का टैक्स। तो ये मेरे पास फेडेक्स का लेटर है जो मुझे रिसीव हुआ था, तो ये सरकार से मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि आप स्टडी मटेरियल को भी एग्जम्प्ट नहीं कर रहे हो और उसकी स्क्रूटनी ऐसे करी जाती है जैसे वो पता नहीं क्या चीज़ हो। तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और कम से कम एकेडमिक मटेरियल, मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ, अगर इक्विपमेंट है तो मुझे लगता है कि उस पर भी नॉमिनल कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए सो दैट हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है टेक्निकल ट्रेनिंग दे पाएँ। और स्टडीज़ रिलेटेड कोई भी फील्ड हो तो मेरा तो यही मानना है कि मिनिमम कस्टम ड्यूटीज होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो स्टडी मटेरियल है उस पर नॉमिनल या टैक्स होना ही नहीं चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो आगे पढ़ें, अच्छी ग्रोथ करें। तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है मैं जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुँचे सो दैट वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें। मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि एकेडमिक मटेरियल पर टैक्सेस नहीं होने चाहिए। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, पढ़ा लिखा सकें, जितना उस कंट्री की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे जो भी कंट्रीज़ आज डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर एजुकेशन रेशियो ज़्यादा है, वो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आप इसका जापान का एग्जाम्पल ले सकते हो, वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने हर हेड में बजट में क्या है कमी करी, मगर एजुकेशन के बजट में कमी नहीं करी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमारे नागरिक नहीं पढ़ेंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। और आज ये यही वजह है कि जापान एक डेवलप कंट्री है और हर फ्रंट पे वो क्या है अच्छा काम कर रहा है। तो आज किसी भी डेवलप कंट्री का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और उनकी ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एकेडमिक्स। यूएस, अगर आज यूएस है तो उसका सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया में कोई भी टैलेंटेड आदमी अगर यूएस में जाना चाहता है तो उसका वेलकम है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाएगा, इनोवेशन करेगा और उसके इनोवेशन का फ़ायदा उनको मिलेगा। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे पढ़ने पे ही आप इतने रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो तो वो क्या आगे जाके करेगा। तो
यही मेरा मैसेज है गवर्नमेंट को कि पॉलिसीज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाएं और एकेडमिक्स को कम से कम इससे एग्जेम्प्ट रखें। थैंक यू सो मच।